नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक ड्रॉइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे कैमरा ऐप के बारे में जिससे कि आप एक DSLR के क्वालिटी का आप फोटो अपने फ़ोन से ले पाओगे। अब वो कैसे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। बिल्कुल आसान तरीका है, चाहे आपके फ़ोन में सिंगल कैमरा हो या दो कैमरा ही हो, आप अपने फ़ोन से एक DSLR का फोटो ले पाएंगे। तो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि और भी लोग जान पाए। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, मेरे पास एक सिंगल कैमरा वाला भी फ़ोन है। तो एक आप नॉर्मल कैमरे से लोगे तो उसमें आपको नॉर्मल फ़ोटो आएगा, बट यहाँ पर अगर आप एक सॉफ्टवेयर की मदद लोगे तो आपके फ़ोन से आप काफ़ी बेहतर फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो आपको बेहतर फ़ोटोज़ लेने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका कि नाम है O2Cam। मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैंने इंस्टॉल कर लिया था। तो इसे आपको ओपन करना है, और ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से स्लाइड करने के बाद इफ़ेक्ट मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर एक ही इफ़ेक्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के, क्लाउडी टाइप के, हनी कलर और सिनेमेटिक कलर, बहुत सारे कलर मिलेंगे। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है यार, यहाँ पर हमें बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जैसे आप जिस भी मोड में आप फ़ोटो क्लिक कर लोगे, या तो नॉर्मल मोड में ही जो नेचुरल है वैसे भी आप क्लिक करते हो, तो उसके बाद अब देखिए इफ़ेक्ट। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया एक फ़ोटो, सही है। अब यहाँ पर आपको ब्लर पे क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए, मैंने ये बोके मोड वाला इफ़ेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर कितना अमेजिंग लग रहा है। और मैं यहाँ पर दूसरा इफ़ेक्ट चाहूँ डालना तो मैं और भी डाल सकता हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। और इस तरह से आप भी कोई पोर्ट्रेट फ़ोटो या फिर कोई भी ले सकते हो DSLR की तरह अपने फ़ोन से। और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये थोड़ा स्क्रीन बड़ा नहीं होगा क्या, तो आप सेटिंग पे क्लिक करोगे मोड पे तो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने का अवसर मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप कोई भी सेट कर सकते हो। सेटिंग में आपको वाटर मार्क भी ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो कि बिना वाटर मार्क के फ़ोटोशूट हो तो वो भी आप कर सकते हो। टाइमर का भी ऑप्शन है इसमें 10 सेकेंड तक का, और डायरेक्ट डिस्प्ले टच वाला भी है फीचर। तो बहुत सारे फीचर के साथ साथ आपको DSLR इफेक्ट वाला फीचर मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी गजब का लगा यार। स्मूथ और इंटरेस्टिंग ब्लर हमें मिलता है। इस वीडियो को सबके साथ भेजें ताकि और भी लोगों को पता चले और वो भी अपने फ़ोन से बेहतर फोटो ले पाएंगे। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।